और उत्तर प्रदेश से आज की सबसे बड़ी खबर, नेपाल के सटे जिले के मदरसों की जांच शुरू। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने बनाई दो टीमें बनाकर अब इन मदरसों की जांच जो है वो शुरू हो गई है। मदरसों की आय का स्रोत लगाया जाएगा पता। 13 जुलाई तक मदरसों की जांच जो है वो पूरी होगी। जांच के लिए 4 अधिकारियों की अलग अलग टीमें 9 जिलों का दौरा कर टीमें अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। उत्तर प्रदेश से आज की सबसे बड़ी खबर, लगातार नेपाल से सटे हुए मदरसों से कई खबरें जो हैं वो सामने आ रही थी। इन सबके बीच नेपाल से सटे जिलों के मदरसों की जो जांच है वो शुरू हो गई है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 2 टीमें बनाई है। मदरसों की आय का स्रोत का जो है पता लगाया जाएगा कि मदरसों के आय का स्रोत कहां से है, कहां से फंड जो है वो मदरसों को मिल रहे हैं। 13 जुलाई तक मदरसों की जांच पूरी कर ली जाएगी। जांच के लिए 4 अधिकारियों की अलग अलग टीमें बनाई गई है। 9 जिलों का दौरा कर टीमें अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपेंगी। संवाददाता संदीप खेर इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, नेपाल बॉर्डर से सटे जितने भी मदरसे हैं उनके आय के स्रोत के साथ साथ तमाम चीजों की अब जांच होगी, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, किस प्रकार से टीम गठित की गई है? देखिए बिल्कुल कृष्णा, इसके पहले भी एक बार मदरसों की जांच कराई गई थी। मदरसों की जांच कराने का देखिए जो मुख्य मकसद है वो ये है कि जो मदरसों में पढ़ने वाले छात्र हैं ये पता चल सके कि उनको किस तरीके की शिक्षा दी जा रही है। और सरकार का भी देखिए एक अपना है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप। अब ये बताया जा रहा है कि देखिए अल्पसंख्यक जो कल्याण विभाग है उसने अधिकारियों की टीम बनाई और मदरसों की जो आय का स्रोत है उसको पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये जो अभी शुरुआत हो रही है सर्वेक्षण की या फिर जांच की, ये नेपाल से जो सटे हुए जिलों के मदरसे हैं वहां पर इनको शुरू किया जा रहा है। 9 जिलों का जो दौरा है उसको करके एक अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपने का काम किया जाएगा। इसमें देखिए जो अधिकारी की अगर बात करी जाए, विशेष सचिव आनंद कुमार सिंह व मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह की टीम जो है वो आज और 15 जून को बलरामपुर पहुंचेगी। महाराजगंज में जांच हो चुकी है, ये सिर्फ प्रयास किया जा रहा है क्योंकि कई जगहों से ये बात सामने आ रही थी कि जो मदरसों में आय का स्रोत है, क्योंकि इन लोगों का कहना ये है कि हमें सरकार से मदद नहीं लेनी है, तो फिर इनकी जो इनकम हो रही है, मदरसों के जो खर्चे हो रहे हैं वो कहाँ से पूरे हो रहे हैं, इसके पीछे का मकसद सिर्फ ये है। तो अपनी जो जांच करी जा रही है मदरसों में आय के स्रोतों का पता लगाने के साथ साथ अन्य पहलुओं पर भी जांच की जाएगी कि जो मदरसा वहां पर स्थापित है क्या वो जमीन उसके लिए आवंटित है, ऐसा तो नहीं है कि जो मदरसा है वो अवैध तरीके से बना हुआ है। तो 12 और 13 जुलाई को लखीमपुर जाएगी ये टीम और उसी के साथ साथ 20 और 21 जून को पीलीभीत जाएगी। 10 और 11 जुलाई को श्रावस्ती का दौरा, यानी तमाम जगहों पर जो मदरसे जो हैं वो बने हुए हैं एक बार फिर से उनकी जो जांच करी जाएगी। और फिलहाल ये जो जांच का जो अभी दायरा है ये नेपाल से जो सटे हुए जिलों के मदरसे हैं उन पर काम शुरू होगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप।